Hello everyone, this is me Supriya Gautam and welcome back to Cosplay Genie powered by Nordwind Gaming. So it's a holiday season, so I decided to cosplay as Slave Elf Katrina from the game League of Legends. So without further ado, let's get started. So in this cosplay, there's going to be three parts, the sword, the headband and the dress. So first I'm going to start with the swords. So now I'm going to draw the pattern of the sword on the white sheet of paper and then I will cut it. तो मैं स्वॉर्ड पैटर्न इज रेडी और अब मैं इसको ट्रेस कर लूंगी फोम शीट के ऊपर और चार पार्ट इसके काटूंगी। तो मेरे पास थिक फोम नहीं था इसलिए मैंने चार पार्ट काटे हैं सो दैट उसमें डेप्थ नजर आए। तो अब इन चार पार्ट को मैं पेस्ट कर लूंगी अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। तो अब मेरे आउटर स्ट्रक्चर के दोनों पार्ट्स रेडी हैं और अब मैं इन दोनों को आपस में पेस्ट कर लूँगी। सो नाउ दैट माई आउटर स्ट्रक्चर इज रेडी सो लेट्स वर्क ऑन द इनर स्ट्रक्चर। तो अब मैं स्वॉर्ड का इनर स्ट्रक्चर व्हाइट पेपर पर ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद उसको कट कर लूँगी फोम के ऊपर और उसके भी मैं चार पीसेस कट करूँगी सो दैट हमारे पास एक थिक स्ट्रक्चर बन जाए। तो मेरे पास इनर स्ट्रक्चर का बेस रेडी हो चुका है लेकिन अब इसको और शेप देने के लिए मैं इसके ऊपर सैंडिंग करूंगी। सो आफ्टर सैंडिंग दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई डिड द सेम फॉर द अदर पार्ट्स एज वेल और अब मैं इन सबको पेस्ट कर लूंगी अपने आउटर स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं स्वॉर्ड इज ऑलमोस्ट रेडी पर एक कमी रह गई है सिर्फ और सिर्फ स्टार की। तो उसके लिए भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी जैसे मैंने किया था बाकी सारे पार्ट्स के लिए। So now my stars are ready and now I'm going to paste it on the sword. Bye.
सो माई स्पॉट इज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन इसके ऊपर और डिटेलिंग करने से पहले मैं इसको सैंड करूंगी सो दैट ये स्मूथ हो जाए और हीट सील कर दूंगी सो दैट पेंट या फेविकॉल अब्जॉर्ब ना हो। So before applying any paint on this, what I'm going to apply two layers of Fevicol. So Fevicol dry हो चुका है और अब इसके ऊपर मैं black paint कर दूंगी और उसके बाद golden paint. स्टार के ऊपर मैं ग्रीन पेंट करूंगी और हैंडल के ऊपर रेड एंड व्हाइट पेंट और उसके बाद मेरी स्वॉर्ड रेडी हो जाएगी। So now I'm done with this sword and now let's work on the headband. So now I'm going to draw the pattern of the headband on the white sheet of paper और फिर उसके बाद मैं उसको trace कर लूँगी foam के ऊपर। तो हॉर्न की थिकनेस के लिए मैंने 3-3 पीसेस कट कर लिए हैं और उसके बाद मैं उन 3 पीसेस को एक साथ ज्वाइन कर दूंगी। तो अब मेरे दोनों पीसेस रेडी हैं और अब मैं इसको स्ट्रक्चर देने के लिए इसके ऊपर सैंडिंग करूंगी और इसके बाद मैं अपना पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। तो मेरे दोनों हॉर्न के पीसेस अब रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसको एक हेडबैंड के ऊपर पेस्ट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ एन एडहेसिव। तो मेरा स्वॉर्ड और हेडबैंड दोनों ही रेडी हो चुका है, अब हम काम करेंगे ड्रेस के ऊपर। सो फॉर ड्रेस आई एम गोइंग टू टेक रेड टॉप एंड अ रेड स्कर्ट जिसके ऊपर मैं व्हाइट फर ऐड कर दूंगी। And for the socks, I'm going to take white pantyhose, जिसके ऊपर मैं red acrylic paint से stripes बना दूंगी।
And for further detailing, I'm going to add white and black ribbon on the skirt. And to give the final look on the dress, I'm going to add green ribbon on the top and the socks. So all the parts of the cosplay is ready, so let's get into the costume. So this is the final look of the costume, and I hope you guys enjoyed this tutorial, and do let me know in the comments down below what are the cosplays you want me to do in my next video, and do not forget to like, share and subscribe Cosplay Genie. Till then, see you guys, bye bye.